सो हेलो गाइस, सो गाइस कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग ईवो MP40 2.0 के बारे में। बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे OB40 का अपडेट आज आ चुका है और गाइस हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। सो गाइस, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे सारे अपडेट के बारे मैं में। आपको शॉर्ट्स में भी बहुत सारे अपडेट देने वाला हूँ, तो भाई शॉर्ट्स को चेकआउट कर लेना। मैं बहुत सारे अपडेट अब शॉर्ट्स ही पे देता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबी वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे ईवो MP40 शॉर्ट वाली वीडियो नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग को कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन से, जो कि आप लोग उसका पोस्टर देख सकते हो। हम लोग को स्पाइडरमैन से कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी 1 जून से, मतलब कल हम लोग से को कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी, जहां पे मैं आपको कुछ पोस्टर शेयर कर पा रहा हूँ। सो गाइस, देख सकते हो बहुत बड़ी कोलैबोरेशन होने वाली है। इसके बंडल भी निकल के आ रहे, जो कि मैं आने वाली वीडियोज में दिखा दूंगा, शॉर्ट में दिखा दूंगा, या तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो भाई चलो हम लोग बात करते नेक्स्ट हैं अपडेट के बारे में। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट है हमारा बनी बंडल को लेके। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग को इस अपडेट में और बंडल देखने को मिलेंगे बनी वाले, जो कि एक बंडल नहीं, यहाँ पे 3 बंडल निकल के आ रहे हैं। तो भाई पहला बंडल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, यहाँ पे येलो कलर का इसको बनाया गया है। सेकंड बंडल की मैं बात करूंगा तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पिंक कलर का बनी बंडल, तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो भी बहुत ज़्यादा ओपी बनाया गया, काफ़ी डिमांडिंग बंडल है गाइस यहाँ पे। तो भाई आप देख सकते हो काफ़ी ओपी इसको बनाया गया, मतलब White 444 तो बहुत ज़्यादा पैसे पेलने वाला है इस कोलैबोरेशन के बाद। सो गाइस, देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी बंडल लग रहा है, जो कि पिंक कह लो या पर्पल कह लो, जो कि आपको कहना चाहो कह लो, लेकिन भाई बंडल बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। मैं बात करता हूँ फिर से और बंडल्स के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे आपको ट्रैप का बंडल देखने को मिलेगा, जो कि बुया पास का बनाया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रैप का बुया पास हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत जल्द, या तो हमारा अगस्त का होगा या तो जुलाई का बुया पास आएगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ओपी बंडल बनाए गए ट्रैप के। अब हम बात करते हैं भाई ट्रैप की, जो हमारी MP40 2.0 आएगी वो कैसी दिखने वाली रहेगी। तो भाई चलो मैं आपको फुल रिव्यू कर देता हूँ, जो कि वो भी ट्रैपी इवेंट पे बनाई गई है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ईवो MP40 2.0 का फर्स्ट लुक, जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में ओपी लग रही है। लेवल 1 पे आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मतलब एट्रीब्यूट थोड़े से खराब रहते हैं। फिर मैं आप बात करता हूँ लेवल 2 पे, तो आपको यहाँ पे थोड़े से एट्रीब्यूट अनलॉक हो जाते हैं, मतलब MP40 लग नहीं रही है, मतलब MP5 लग रही है, लेकिन भाई फिर भी इसको MP40 बनाया गया, इसका नाम रखा गया क्रोमोसोनिक करके, तो भाई बहुत ज़्यादा ओपी लग रही है। इसमें भी आपको फाइनल शॉट देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा दिवाली कर दिया गया, जो कि इसका हीटिंग इफेक्ट होता है। तो भाई आप लोग पूरी देख सकते हो MP40 कैसी बनाई गई है, ट्रैप इवेंट पे ये बेस्ट है। लेवल 5 पे भी आप लोग देख सकते हो कैसी रखी गई है, इसका किलिंग इफेक्ट कुछ ऐसा रखा जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो एनिमेशन इफेक्ट इसका नाम रखा गया है। ट्रैप का पीछे यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है, तो भाई आप लोग देख सकते हो MP40 ऐसी बनाई गई है। इसके इमोट की मैं बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब इमोट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई आपको पता है नॉर्मल जो हमारे ईवो गन के इमोट होते हैं उसमें हम लोग जब को इमोट यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड काला हो जाता है, लेकिन गाइस इसमें थोड़ा सा अलग सीन रखा गया, चलो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। लेकिन गाइस आप लोग MP40 देखो कैसे टुकड़ों में ऐसे जॉइंट हो रही है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक बनाई गई है, इलेक्ट्रिक करके ये रखी गई है। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यही होगी हमारी पूरी MP40 2.0, जो कि ईवो गन देखने को मिलेगी नेक्स्ट। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा ओपी बनाई गई है। मैं बात करता हूँ इमोट के बारे में, तो भाई आप लोग देख सकते हो इमोट कुछ ऐसा इसका रखा गया, थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया गया, लेकिन ऐसा गाइस मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा अलग इमोट रखा गया है, मतलब बैकग्राउंड काला नहीं होता, इसमें से थोड़ा मतलब लाइटिंग आ जाती है, ऐसा इमोट इसका रखा गया है। सो गाइस, आप लोग पूरी MP40 देख लो, उसके बाद कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करना। उसके बाद आप लोग चलो लेवल 8 पे देख लो कैसी होने वाली रहेगी। लेवल 7 पे कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, जो कि यार ईवो MP40 लग ही नहीं रही है, कैसा इसका लुक रख दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई फाइनल शॉट आपका कुछ ऐसा रखा जाएगा इस वाली MP40 में, जो कि मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा मतलब कुछ खास नहीं लगा, इतना मैं बेकार भी नहीं कहूंगा, लेकिन गाइस जैसा हम लोग को स्कॉर्पियो वाली M1014 में देखने को मिला था, भाई क्या उसमें मतलब बनाया गया था फाइनल शॉट, इसमें तो एकदम टट्टी कर दिया गया फाइनल शॉट को। लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो यही हमारी पूरी MP40 रखी गई है, ट्रैप इवेंट पे बेस्ट है ये। सो गाइस, यही थी हमारी पूरी ईवो MP40, जिसका मैंने एक एक रिव्यू कर दिया आपको। और गाइस मैंने यहाँ पे आपको केवल थोड़ा सा ही अपडेट दिया है OB40 के रिगार्डिंग, मैं बहुत सारे अपडेट अपने शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, तो भाई शॉर्ट्स को चेकआउट कर लिया करना याद से, उसमें मैं बहुत सारे अपडेट देने वाला हूँ। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, यही थी वीडियो। और गाइस आप लोग जो बंडल देख रहे हो ये आपको रैंक टोकन के बदले में देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।